एवरीवन, संगीता किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज रोज की तरह आज नया रेसिपी लेकर आई, बहुत ही टेस्टी, इंटरेस्टिंग और हेल्दी रेसिपी है, आप सभी को पसंद आएगी। ये है पालक वड़ा। और घर पर पालक वड़ा बनाना बहुत इजी आसान है, इसको ज़्यादा कुछ चीज़ें लगती भी नहीं है और बहुत जल्दी ये बन जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बन जाता है और ये बनाना भी बहुत ईजी है। तो चलिए देखते हैं कि ये वड़ा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है और कैसा बनाना है। तो ये कुछ मैंने पालक लिया है, तो एक जोड़ी पालक से आप मार्केट में इजीली मिल जाती है, बहुत ही सस्ती मिल जाती है। तो इसको अच्छे से साफ करके धो के रखना है, वो बाद में काटना है क्योंकि पहला नहीं काटना है धोने के पहले, ताकि वो जो भी इसके अंदर जो विटामिन है वो निकल जाते हैं, तो इसीलिए। तो चलिए, ये मैंने एक बाउल लिया है और 200 ग्राम इतना चने का आटा ले लेंगे। चने के आटा लेने के बाद उसके अंदर सबसे पहले आधा चम्मच इतना हल्दी डालेंगे। फिर नमक डालने के लिए आपके हिसाब से डाल दीजिए, आप कितना ले रहे हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैंने 1.5 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाल दिया है। और 1 चम्मच इतना मैंने जो लाल मिर्च पाउडर है तीखी वाली, ये मैंने डाल दिया। और थोड़ा सा मेरे को और थोड़ा तीखा चाहिए, इसके लिए मैं और थोड़ा सा इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देती हूँ। तो देखिए, ये डालने के बाद अपने पास जो बारीक कटी हुई पालक है, पालक भी इसके अंदर डाल देंगे। आधा टीस्पून इतना मैंने जो खाने का सोडा है ये भी डाल दिया है, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो देखिए, इस तरीके से मैंने पालक अच्छे से धो के काट कर रखा था। तो इसको अभी सब मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद ही आगे उसका वड़ा बना के रखना है। तो पूरा आटा इस तरीके से गूंदना है। तो पानी आपके हिसाब से इसके अंदर डाल दीजिए, आपको जितना पानी लगता है उस हिसाब से आप पानी डाल दीजिए। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ताकि ये पालक ऑलरेडी पानी छोड़ देती है और गीली रहती है, तो इसके लिए पानी की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। तो ये कढ़ाई के अंदर मैंने अच्छे से तेल गरम कर लिया है। तो इसके अंदर इस तरीके से जो वड़ा मैंने बना के रखा था, तो ये एक 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 करके वड़ा इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी ये रेसिपी बन जाती है, आप ज़रूर बनाइए। काफ़ी सारा बाहर बारिश गिर रहा है, और बारिश में अगर कई ठंडक में अगर गर्मा गर्म कुछ खाने का मन करे तो आप ज़रूर ये रेसिपी बनाइए। अगर आप मेरे स्टाइल पे ये रेसिपी बनाओगे तो बहुत अच्छी तरह से ये रेसिपी बन जाएगी। इसको ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगती और बहुत जल्दी बन जाती है, 10 मिनट के अंदर ही ये मैंने रेसिपी बनाया है। देख सकते हैं कितना मस्त और मज़ेदार ये रेसिपी बन जाता है। गैस की जो फ्लेम है, जब तेल गरम करेंगे तभी फास्ट करना है। अच्छा, तेल गरम होने के बाद धीरे धीरे वो स्लो करते जाना है, ताकि नहीं तो अपने जो वड़े हैं पूरे पूरे जल जाएंगे। तो देखिए, बहुत अच्छी तरीके से इसको कलर आ गया है, आप देख सकते हैं इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी तरह से आ रही है, और इसका पूरा के पूरा कलर भी आ चुका है। पूरा जो अपना ये वड़ा है पालक का, पूरा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ये वड़ा अपना रेडी हो जाता है घर पर। इतना आसान है कि बनाने के लिए आप यकीन ही नहीं करोगे। देखिए, तो ये अपना जो भी बाकी बचे हुए हैं धीरे धीरे करके सभी जो वड़े हैं इसके अंदर तेल के अंदर से निकाल देंगे एक एक करके। इतना मस्त और मज़ेदार होती है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये जो रेसिपी हर किसी को मिलना चाहिए, बिल्कुल नया रेसिपी है। देखिए कितना मस्त लग रहा है, बहुत ही सुंदर ये रेसिपी बन जाती है। आप यकीन मानिए और ज़रूर ये रेसिपी आप एक बार ट्राई करिए। ये चटनी के साथ या हरी मिर्च के साथ बहुत टेस्टी और मज़ेदार सुंदर रेसिपी बन जाती है। तो ये अपने जो बाकी बचे हुए हैं धीरे धीरे ये तेल के अंदर मैंने निकाल दिया है। वाओ, ये हुई ना बात। तो इतने सुंदर और मज़ेदार रेसिपी आप घर पर 10 मिनट के अंदर बनाओगे, तो आपके जो घर में मेहमान है वो ज़रूर आप उनके दिल जीत जाओगे। तो देख लीजिए,
और बारिश में ऐसा कुछ नया खाने का और गर्मा गर्म खाने का हर किसी का मन कर लेता है, तो आप ज़रूर इस तरीके से रेसिपी ट्राई करिए। तो अपनी रेसिपी अभी रेडी हो गया, जो अपना पालक का वड़ा है आप देख सकते हैं, जो हरी मिर्च है, हरी मिर्च को तेल के अंदर मैंने डाल के अच्छे से फ्राई करके ले लिया है, ताकि ये तीखा और इसके साथ कुछ रहेगा, चटनी रहेगी, आपके पसंद की चटनी आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, देखिए आप इस तरीके से मेरे तरीके से भी आप रेसिपी बनाइए। और इस तरीके से जो हरी मिर्च है उसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिलके, ताकि जो उसका जो तीखापन है नमक की वजह से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इतनी मज़ेदार सुंदर रेसिपी बन जाती है, बिल्कुल महाराष्ट्रीयन स्टाइल की रेसिपी है। अगर आपको ये चैनल पे रेसिपी अच्छी लगती होगी तो आप ज़रूर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए कितना मस्त और सुंदर ये रेसिपी बन चुकी है, आपने देख भी लिया है और आप ज़रूर रेसिपी ये बनाओगे, मुझे यकीन है कि आप ज़रूर ये रेसिपी बनाएंगे। वाह ये विनम्र बात। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, स्वस्थ रहा आणि मस्त रहा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, बाय बाय।